सिनेमा जगत में अपने दौर की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक गिनी जाती हैं शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर 76 साल की हो चुकी हैं, लेकिन आज भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। जहां एक ओर शर्मिला ने हिंदी सिनेमा जगत में कई बेहतरीन और शानदार फिल्में दी हैं, वहीं शर्मिला जानी जाती हैं अपने शानदार एक्टिंग के लिए और अपनी खूबसूरती के लिए भी। जहां एक ओर शर्मिला ने हिंदी सिनेमा जगत में खास पहचान बना ली, तो वहीं शर्मिला ने एक वक्त ऐसा बोल्ड फोटोशूट भी कराया जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 60 के दशक में जब हिंदी सिनेमा जगत में एक्ट्रेस के ट्रेडिशनल लुक का जमाना हुआ करता था, उस दौरान शर्मिला ने बोल्ड फोटोशूट कराकर हंगामा ही मचा कर रख दिया। साल 1966 में शर्मिला टैगोर ने एक बिकनी फोटोशूट कराया था जिसको लेकर आज भी चर्चा की जाती है। वहीं शर्मिला टैगोर ने 55 साल पुराने फोटोशूट को लेकर हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में चर्चा की। 55 साल पुराने एक राज को उन्होंने खोला अपने एक इंटरव्यू में। दरअसल जहां एक ओर शर्मिला टैगोर ने बिकनी फोटोशूट कराया और उन्हें बोल्ड फोटोशूट कराने में कोई भी समस्या नहीं हुई, वहीं इस फोटोशूट को कराने का फैसला शर्मिला का खुद का था। आइए आपको बताती हैं क्या कहा शर्मिला ने अपने फोटोशूट को लेकर। शर्मिला ने अपने इस फोटोशूट में बताया कि उनकी जिंदगी के फैसले बिल्कुल अलग हुआ करते थे। जैसे कि मैगजीन के लिए साल 1966 में बिकनी शूट को लोग उन्हें कभी भूलने नहीं देते, वहीं उस शूट के दौरान उन्हें बिल्कुल भी शर्म और झिझक नहीं हुई थी। तब हमारी सोसाइटी कितनी रूढ़िवादी थी, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैंने वह शूट क्यों किया था। यह मेरी शादी से महज कुछ दिन पहले ही हुआ था। मुझे याद है जब मैंने फोटोग्राफर को उस दौरान आउटफिट दिखाया तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या सच में शूट करना चाहती हो? और वह उस वक्त मुझसे ज्यादा खुद परेशान थे, लेकिन मुझे शूट करने में कोई भी परेशानी नहीं थी। वहीं आगे शर्मिला ने बताया कि उस समय लोगों ने मैगजीन के कवर पेज को देखने के बाद काफी अजीब तरीके की रिएक्शन भी देना शुरू कर दिए थे, और मैं सोचने लगी थी कि लोगों को मेरी फोटो पसंद क्यों नहीं आ रही है। मुझे लगा कि मैं अच्छी लग रही हूं और कुछ लोगों ने कहा कि ये जानबूझकर किया गया है जिससे कि मैं सुर्खियों में आ जाऊं। मुझे बुरा लगा था, मैं अपने अंदर एक जज्बा देखती थी कुछ अलग करने का। मैं युवा थी और अलग करना चाहती थी। और इस तरह से शर्मिला टैगोर ने अपने इंटरव्यू में बताया 55 साल पुराने राज को। साल 1966 में शर्मिला टैगोर कंट्रोवर्सी का सामना करती हुई नजर आई जब उन्होंने ये फोटोशूट कराया। वहीं उसी साल शर्मिला टैगोर की 5 फिल्में रिलीज हुई थीं और ये फिल्में थीं देवर, ये रात फिर ना आएगी, सावन की घटा, नायक, अनुपमा। और इन फिल्मों को लेकर भी शर्मिला काफी चर्चाओं में रही। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 1964 में कश्मीर की कली फिल्म से बॉलीवुड की दुनिया में शर्मिला ने कदम रखा और 60 से 70 दशक की मशहूर और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से गिनी जाती हैं शर्मिला टैगोर। वहीं शर्मिला टैगोर ने धमाल मचा कर रख दिया अपने बोल्ड फोटोशूट के जरिए, और आज भी अपने इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर चर्चा करती हुई देखी जाती हैं अपने फोटोशूट को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कभी शर्मिला इस फोटोशूट को लेकर गुस्से को जाहिर करती हैं, तो कभी अपनी दिल की बात को बयां करती हुई भी नजर आती हैं। जो भी हो, आज के समय में शर्मिला टैगोर फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और आज भी शर्मिला टैगोर के फैंस दीवाने हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।